पायामिडोस, जो कि शोग्रान से ऊपर की जानिब कागन वैली के एक बहुत ही पुरफेजा और बादलों से घिरा एक खूबसूरत टूरिस्ट पॉइंट है। ये शोग्रान से तकरीबन 45 मिनट के ड्राइव पर है और इसका सफ़र सिर्फ जीप के जरिए ही किया जा सकता है। अभी हम सीरी पे मौजूद हैं। अब यहाँ से हम 15 मिनट की ड्राइव के बाद पाया पहुँचेंगे, तो चलते हैं पाया। व्यूअर्स, अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। सीरी पाया का रोड यूँ है कि जैसे पहाड़ों के साथ एक बड़ी पगडंडी। ये रास्ता ना सिर्फ ख़तरनाक है बल्कि एक माहिर ड्राइवर ही यहाँ पर गाड़ी ड्राइव कर सकता है। रास्ता ख़तरनाक होने के बावजूद भी नारायण कागन आने वाले अपनी फैमिली के साथ सीरी पाया का सफ़र भी ज़रूर करते हैं। बस आपको ज़रा सा एडवेंचरस होना ज़रूरी है। ये मेरा भी अपनी फैमिली के साथ दूसरा सफ़र है। जब भी आप पाया पहुँचें तो यहाँ से थोड़ी ही दूर एक छोटा सा तालाब भी है, वहाँ ज़रूर जाएं। ये तालाब वाली जगह बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ तक आप पैदल भी जा सकते हैं और घोड़े के ज़रिए भी। घोड़ा आपसे सीज़न में 700 से 1200 और ऑफ सीज़न में 400 से 700 के दरमियान लेता है। इस पैसे में आना जाना भी शामिल है और वहाँ घोड़े वाला 1.5 घंटे तक आपका इंतज़ार भी करता है जब तक कि आप वहाँ पर सही तरीके से सैर ना करें। ये है हमारा घोड़ा, उस पर हम बैठ के आए थे। बहुत अच्छा है ये, मुझे इसका कलर भी बहुत अच्छा लगा। तो अभी और यहाँ पे झील है, यहाँ पे एक और घोड़ा खड़ा हुआ है। इतना ख़तरनाक और एडवेंचर से भरे सफ़र के बाद जब आप पाया पहुंचते हैं तो आपके मुंह से बेख्तियार निकलता है माशाल्लाह,
और वाकई ही ये ऐसी जगह है जहाँ पे बार बार आने को जी चाहता है। हम जब भी यहाँ पे आते हैं तो तकरीबन 1 से 1.5 घंटा इस जगह पे गुजारते हैं। दोस्तों कोशिश करेंगे जब भी यहाँ पे आएँ तो तकरीबन 10-11 बजे तक यहाँ पहुँच जाएँ और 2-3 बजे तक आप यहाँ से वापसी का सफ़र इख्तियार कर लें। ये देखें इस वक्त हम बादलों के दरमियान खड़े हुए हैं और ये एक खूबसूरत मंज़र पेश कर रहा है। ये था हमारा सीरी तक का सफ़र। पायल का सफ़र देखने के लिए मेरे पिछले वीडियो को ज़रूर देखें। उम्मीद है कि आपको ये सफ़र मज़ा आया होगा।